क्लास 9 का एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग के पास, और यहाँ पे कह रहा है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई का मतलब है जो कि जो भी साइन उसमें रहेगा, जैसे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कहीं प्लस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब जो साइन है उसके अनुसार वो चलता जाएगा, बोर्डमास के नियम के तहत वो चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2014 में पूछा गया है, इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 को भी 14 में पूछा गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यानपूर्वक बनाना होगा। इसके आगे का क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2010 में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 3 माइनस रूट 11 ब्रैकेट में है और 3 प्लस रूट 11 ये भी ब्रैकेट में है। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूला पे बना सकते हैं, मैं आपको इस फॉर्मूला पे बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि ए बी, इसको हम मान लेते हैं ये ए है ये बी है, फिर ए और बी इस तरह से दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये तो डायरेक्ट इस तरह से लिखा हुआ है, अब हम इस तरह से डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 3 का स्क्वायर और माइनस हो गया, फिर यहाँ पर 11 का रूट 11 का स्क्वायर कर दिए। तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 9 हो गया 9, और यहाँ पे 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 11 को रूट 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस हो गया, 11 आ गया, तो यहाँ पे 11 में से 9 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो माइनस साइन में आएगा क्योंकि 11 जो है वो बड़ा है, तो -2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे जो है फॉर्मूला के अनुसार नहीं बनने वाले हैं, तो इसीलिए मैं बिना फॉर्मूला वाला भी बनाकर दिखा देता हूँ आपको। सिंपली इसमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ये आपका दूसरा मेथड है। यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि इसको हम उठाकर ले लेते हैं, यहाँ पे 3 रख लिए और इसको टोटल उठाकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 3 प्लस रूट 11 हो गया, और फिर इसका आधा पार्ट जो बचा हुआ है -√11, इसको हम ले लेते हैं और इसको फिर टोटल इस पार्ट को ले लेते हैं, 3 प्लस रूट 11 हो गया। अब क्या करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 3 9 हो गया, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, प्लस में आएगा ये भी प्लस ये प्लस, तो 3√11 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और √11 मल्टीप्लाई होगा तो 3√11 हो गया, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस में आएगा, और √11 √11 मल्टीप्लाई जब होता है तो 11 आ जाता है, ये हो गया। अब जो है +3√11 -3√11 ये दोनों जो है कट गया, तो 9 यहाँ बच गया और -11 बच गया, तो इस फॉर्म में आ गया है, इसका मतलब है -2, तो इसमें भी -2 आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है -3 प्लस √5 और -3 -√5, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मूले पर बन सकता है, इस फॉर्मूले पे बन सकता है, तो हम लोग या तो इससे बना सकते हैं इससे बना सकते हैं, जो आपको ईजी लगता है। चलिए मैं इसमें बना देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम -3 लेंगे और इसको टोटल उठा लेंगे, -3 -√5, और फिर यहाँ +√5 हो गया और -3 -√5 ब्रैकेट बंद कर दिए। अब जो मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, और यहाँ पे फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा, आएगा 3√5 हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा या माइनस, और 3 जो है बाहर रह जाएगा, 3√5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे √5 √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये हो गया। तो ये प्लस में ये माइनस में ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पे आ गया 9 और -5, तो 9 में से 5 गया तो बच गया 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, पार्ट 3, और यहाँ पे दिया हुआ है 3 -√3 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला इस पर लगा सकते हैं क्योंकि बुक में फॉर्मूला दिखाया गया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है a+b का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है a - b a + b, जो फर्स्ट क्वेश्चन ही इसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था ये फॉर्मूला के द्वारा बनाकर। और a - b का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन a - b का फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, मैं आप लोगों को लिख कर दिखा देता हूँ, आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। तो ये होता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²
हम चाहें तो इस फॉर्मूले पे इसको बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आगे का क्वेश्चन हमें इसी तरह का मिलेगा, तो हम इस फॉर्मूले से उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। इसको इस तरह से फर्स्ट पार्ट रखते हैं, इसमें हम दो पार्ट बना लेते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं और फिर उसी को लिखते हैं 3 - √3 और फिर इसे बंद कर देते हैं। ये दो पार्ट हो गया। अब दो पार्ट में से इसको फर्स्ट में हम लेंगे 3 और इसका टोटल पार्ट उठा लेंगे 3 - √3 और सेकेंड पार्ट है -√3 और 3 - √3 ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 3 - 9 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 √3 हो गया और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 √3 हो गया और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो √3 × √3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 और 9 = 12 हो गया। ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा लेकिन साइन जो माइनस ही रहेगा तो यहाँ पे -3 - 3 = 6 हो गया, 6 √3 और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट है 4 पार्ट और इसमें दिया हुआ है √5 - √3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं पार्ट 3 में जिसको हम लोग लगा सकते थे, इस फॉर्मूले को अब हम इसमें यूज करेंगे। इसको जो है हम इस तरह से बना सकते हैं लेकिन अब हम इसको जो है आपको इसको इस रूप से बनाकर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है, हम डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखते हैं ए स्क्वायर। तो ए यहाँ पे 5 है और बी ये है √3, ए और बी। अब क्या करते हैं, √5 इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा -2 2a। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए जो है वो √5 है और फिर बी जो है वो √3 है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस हो जाएगा प्लस। तो √3 × √3 = 3 होता है, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, अभी फिलहाल हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, √3 का होल स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसको जो है डायरेक्ट 5 हो जाएगा, √5 √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया और यहाँ पे -2 ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 * 3 = 15 हो गया तो 2 √15 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस √3 × √3 = 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे +5 + 3 तो 8 हो गया और ये -2 √15 जो है वैसा ही रह जाएगा 2 √15 और ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5 और इस पे दिया हुआ है 5 + √7 और 2 + √5। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये और ये अलग अलग नंबर है, यहाँ पे भी अलग अलग नंबर है, तो अब जो है ये फॉर्मूला वर्क इस पे नहीं करने वाला है। तो हम सिंपली जो है इस तरह से बनाएंगे, मल्टीप्लाई के नियम से बनाएंगे। तो 5 फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखते हैं 5 और इसका पूरा उठा लेते हैं सेकेंड पार्ट के, दे देते हैं यहाँ पे 2 + √5 और फिर लिखते हैं +√7 और फिर टोटल पार्ट इसको देते हैं 2 + √5। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 * 2 = 10 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो सब में प्लस ही आने वाला है, माइनस कहीं नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा +5 √5 और ये प्लस हो गया तो यहाँ आ जाएगा 2 √7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +√7 × √5 तो यहाँ पे हो जाएगा √7 × √5 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 रहेगा और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अगर मैच करता √5 √5 रहता तो ये दोनों ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है इसलिए ये ऐड होने वाला नहीं है। मतलब जो है यहाँ पे +5 √5 जैसे कि तैसे बना रहेगा और यहाँ भी +2 √7 वैसा ही बना रहेगा और 7 5 जाए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 7 5 = 35 तो यहाँ पे √35 हो जाएगा 35 और इसमें और कुछ होने वाला नहीं, सभी डिफरेंट है, ये तीनों डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया और इसमें एक लास्ट पार्ट दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6 पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है √5 - √2 × √2 - √3 तो यहाँ पे सभी डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, इसमें जो है कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं होगा, यहाँ डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई के नियम पे चलेंगे √5 और इसको टोटल लेंगे √2 - √3 और फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा √2 √2 - √3 ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हो जाएगा √10 5 * 2 = 10 हो गया तो यहाँ पे √10 हो गया और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो माइनस में आएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस दे देते हैं, और 5 3 15 हो गया, तो यहाँ पे 15 हो गया। और इसके आगे जो है ये प्लस ये माइनस तो माइनस ही आएगा, और रूट टू तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और ये माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस दे देते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 हो गया, तो रूट सिक्स हो जाएगा, रूट सिक्स यहाँ पे सिक्स कर दिए। अब जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, और ये भी डिफरेंट है, और एक माइनस टू बचा हुआ है ओनली, तो कुछ होने वाला है नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।